जनपद फिरोजाबाद में डीजी आगरा जोन आगरा द्वारा जिला अधिकारी फिरोजाबाद व एसएसपी फिरोजाबाद की उपस्थिति में पुलिस लाइन स्थित सभागार में ऑपरेशन जागृत फेज टू का शुभारंभ किया गया। इस दौरान एएसपी नगर, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त थाना प्रभारी, प्रशासनिक अधिकारी व यूनिसेफ की टीम मौजूद रही। यूपी ब्रेकिंग न्यूज से शिवा वर्मा की रिपोर्ट। मैम, जिस तरीके से चुनाव के बाद देखा जा रहा है कि मीडिया, सोशल मीडिया पर एक्स पर जो पोस्ट की जा रही है, तरह तरह के भड़काऊ पोस्टें आ रही है, जिसका नतीजा एक अलीगढ़ में भी अभी दो दिन पहले देखने को मिला कि वहाँ पे तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली और जिसके बीच में पथराव भी हुआ, उसको लेकर के किस तरीके की साइबर सेल द्वारा प्रभारी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? देखिए, सोशल मीडिया पे पुलिस का निरंतर वॉच रहती है, चाहे वो जोन लेवल पे हो, रेंज लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। सोशल मीडिया वॉच और सर्वेलांस पुलिस द्वारा लगातार किया जाता है। किसी भी प्रकार की जो भ्रामक रिपोर्ट या गलत रिपोर्ट या प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, उन पर कार्रवाई भी होती है और निरंतर कार्रवाई होती है। तो इसमें ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें पुलिस करती रहती है और उसमें जो भी अपराध दंडनीय बनता है उस पर FIR भी दर्ज होती है और कार्रवाई की जाती है। चुनाव के बाद में इसमें काफी बढ़ोतरी आई है, तो उसके लिए कोई नए कदम आपके द्वारा कोई रखे जा रहे हैं कि जिसको लेकर के इसमें कहीं ना कहीं लगाम लगाया जा सके? जी, इसको इंटेंसिफाई कर दिया गया, सोशल मीडिया सर्वेलांस को इंटेंसिफाई कर दिया गया और अब नया जो कानून आ रहा है 1 जुलाई से होगा, उसमें जो सेक्शंस हैं वो काफ़ी इलैबोरेट हैं और उसमें जो दंड है वो भी काफ़ी इंटेंस है। तो ये सारी चीज़ें भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को बताना चाहेंगे कि जो इस तरह की कर रहे हैं उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह के लीगल प्रोविजंस हैं और वो सारे गलत कृत्यों से दूर रहें। क्या थाना स्तर पर भी फिरोजाबाद जनपद में कोई आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है? जी, निरीक्षण लगातार होते रहते हैं और आज तो नहीं, निरीक्षण का कार्यक्रम आज तो नहीं था, पर लगातार निरीक्षण होते रहते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है उत्पन्न की वो सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं, चाहे परिवार का कोई व्यक्ति या किशोर किशोरियां, तो ये सारी चीज़ें उनको समझाना कि इस तरह का व्यवहार आपको नहीं करना है और आप बेहतर है कि आप अपना डायलॉग रखें अपने पेरेंट्स के साथ, ताकि जो इस एरिया में हम इस एज में हमको काउंसलिंग की, एडवाइस की, गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो हम प्राप्त कर सकें। तो हम ये इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि आप डायलॉग रखिए अपने बच्चों के साथ, जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के साथ डायलॉग रखें और जो किशोर किशोरियाँ हैं वो भी अपने माता पिता से डायलॉग रखें और जो भी ज़रूरी गाइडेंस है उनसे जागरूकता पड़ेगी। जी, जो जागरूकता का जो फेज टू लॉन्च हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ का के लोग हैं, जो आगरा जोन के फरियादी शिकायतकर्ता मेरे पास आते रहते हैं और भी कई लोगों से मेरी बात होती रहती है, उन सभी के डिमांड पर ही हम ये फेज टू लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि सबका कहना था कि इसमें एक सामाजिक सौहार्द जैसा कायम हो रहा था, उसमें कहीं पे कुछ ढीलापन हो गया है। तो आप इस कार्यक्रम को निरंतर रखिए और इसमें निरंतरता रखिए और इसको पुनः चालू कीजिए। तो ये हमारे मस्तिष्क में भी था कि हम इस कार्यक्रम को पुनः लॉन्च करेंगे और इसको एक इंटेंसिव रूप से ले जाएंगे, परंतु यहाँ के लोगों की भी ये डिमांड है कि इस कार्यक्रम को निरंतरता दी जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ इसमें लाभ जरूर इसमें पाए होंगे, इसीलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को। इस बंद में कितने प्रतिशत अपराध में ग्राफ मानते हैं, इस तरह के अपराधों में आया होगा? लगभग 22% की गिरावट आई थी महिला संबंधी अपराध में और विभिन्न अपराधों में अलग अलग आंकड़े हैं, वो आपको आंकड़े उपलब्ध कराए दिए जा सकते हैं।